डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इमेजिनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट के अंदर स्केयर ऑफ ओपोजिशन के बारे में। दोस्तों इसमें से आज तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और हर बार इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस वीडियो को देखना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि स्केयर ऑफ ओपोजिशन में किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ओल्ड 10 यूनिट की एड फ्री वीडियो देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स क्योंकि निमिजिनेट है तो जीआरएफ है। दोस्तों स्केयर ऑफ ओपोजिशन, इसके अंदर चार तरह की चीज़ें हैं, चार तरह के कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर जैसे आपने देखा होगा कि ए ई आई ओ आपने सुना होगा, इनके बारे में हम समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास यूनिवर्सल पॉजिटिव। देखिए यूनिवर्सल पॉजिटिव को हम ए से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है जो भी हम सारी की सारी चीज़ें लेते हैं वो पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, जैसे कि ऑल बॉल आर स्ट्रोंग, सभी की सभी बॉल क्या है, स्ट्रोंग है। और उसके बाद आता है यूनिवर्सल नेगेटिव, इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी हम चीज़ें लेते हैं वो नेगेटिव वे में लेते हैं, कंप्लीट टोटली हम नेगेटिव लेते हैं, जैसे कि नो बॉल आर स्ट्रोंग, कोई भी बॉल स्ट्रोंग नहीं है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास पर्टिकुलर पॉजिटिव, ये हो गया पर्टिकुलर हमारा और ये हो गया पॉजिटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती है, सम बॉल आर स्ट्रोंग। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास पर्टिकुलर नेगेटिव, इसको हम डिनोट करते हैं ओ से। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ चीज़ें नेगेटिव वे में हम लेते हैं, सम बॉल आर नॉट स्ट्रोंग, कुछ बॉल स्ट्रोंग नहीं है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं दोस्तों। और अभी हम आगे धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि यूनिवर्सल पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, यूनिवर्सल पॉजिटिव के अंदर ऑल बॉल आर स्ट्रॉन्ग, इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। यूनिवर्सल नेगेटिव के अंदर क्या होता है, नो बॉल आर स्ट्रॉन्ग, कोई भी बॉल स्ट्रॉन्ग नहीं, इसे ई से डिनोट करते हैं। पर्टिकुलर पॉजिटिव के अंदर कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती है, सम बॉल आर स्ट्रॉन्ग, इसको आई से डिनोट करते हैं, ये डबल लग गया आई, एक आई आएगा यहाँ पे। फिर पर्टिकुलर नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये सॉरी ये गलती से लिखा गया, पर्टिकुलर नेगेटिव आएगा यहाँ पे, और इसको किससे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, सम बॉल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब हम इस पे देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है और इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस बेस पे हमारे पास चार कॉन्सेप्ट है। नंबर एक है कंट्राडिक्टरीज, कंट्राडिक्टरीज क्या होती है, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता के चलता हूँ दोस्तों, आप इसको इंग्लिश में याद रखना कंट्राडिक्टरीज को, अगर हिंदी में मीनिंग देखोगे तो इसके वो आएगा विरोधाभासी और काफी अलग अलग मीनिंग आएंगे एग्जाम के अंदर, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, इंग्लिश में ही इसको याद रखने की कोशिश कीजिए, कंट्राडिक्टरीज। अब देखिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंट्राडिक्टरीज क्या होते हैं और इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आए वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले कंट्राडिक्टरीज, इसके अंदर क्या होता है कि एक सही है तो दूसरा गलत होगा, इसके अंदर क्या होगा, एक सही तो दूसरा गलत होगा। इसके अंदर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, देखें जैसे कि ऑल बॉल आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो सम बॉल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, मान के चलिए दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति हमें कह रहा कि ऑल बॉल आर स्ट्रॉन्ग, सभी की सभी जो बॉल है वो स्ट्रॉन्ग है, दूसरा व्यक्ति कह रहा कि सम बॉल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, तो ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं,
ठीक है, अगर ये सही है ना, सभी की सभी बोल हमारी स्ट्रोंग है, ये आदमी हमारा सही है, तो ये आदमी हमारा गलत हो जाएगा। सम बोल आर नॉट स्ट्रोंग, ये बात इसकी गलत हो जाएगी। और देखिए, अगर ये व्यक्ति ये कह दे, इस व्यक्ति की बात सिद्ध हो जाए कि सम बोल आर नॉट स्ट्रोंग, कुछ बोल स्ट्रोंग नहीं है, तो ऑल बोल आर स्ट्रोंग, ये वाली बात हमारी रॉन्ग साबित हो जाएगी। तो इसके अंदर एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा, दूसरा सही होगा तो ये पहले वाला गलत होगा। ये चीजें होती है इसके अंदर। और मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ इसके अंदर। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास दो व्यक्ति है, एक ये छोटा सा व्यक्ति है और ये कह रहा कि ऑल बोल आर स्ट्रोंग, और ये लड़की कह रही है कि कुछ बोल स्ट्रोंग नहीं है, तो एक गलत होगा तो दूसरा सही होगा इसके अंदर। बात करते हैं ई और आई के अंदर क्या रिलेशनशिप होगा। इसके अंदर भी सेम वही चीज होगी। मान के चलिए ये जो काला व्यक्ति है, अब ये देखिए, ये जो व्यक्ति है ये कह रहा कि नो बॉल आर स्ट्रोंग, कोई भी बॉल स्ट्रोंग नहीं है, कोई बॉल स्ट्रोंग नहीं है। मान के चलते कि इस व्यक्ति की बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि कोई भी बॉल स्ट्रोंग नहीं है। और दूसरी तरफ ये महिला है, ये कह रही है कि सम बॉल स्ट्रोंग है, कुछ बॉल स्ट्रोंग है। तो इनके अंदर एक तो गलत होगा ना, दोनों के दोनों सही नहीं हो सकते। तो अगर ये व्यक्ति सही है तो ये जो महिला है ये गलत हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कंट्राडिक्टरीज के अंदर क्या होता है कि एक सही है तो दूसरा गलत होगा, अगर एक गलत है तो दूसरा सही होगा, दोनों एक साथ सही या गलत नहीं हो सकते। अब देखिए वही बात आ गई ना इसके अंदर कि ये दोनों के दोनों चीजें एक सही या गलत नहीं हो सकते। ये देखिए, ये दोनों के दोनों, ये भी एक साथ सही नहीं हो सकता, ये दोनों के दोनों सही नहीं हो सकते। ये कहे कि सारे के सारे बॉल स्ट्रोंग है और ये कहे कि कुछ बॉल स्ट्रोंग नहीं है, तो ये एक साथ सही नहीं हो सकते और एक साथ गलत भी नहीं हो सकते। तो ये चीजें होती हैं इसके अंदर। और इसी तरीके से हमारा ई और आई होता है। इसके अंदर हम आगे बात करते हैं नंबर चार पे। अगर एक अनडिटरमाइंड है तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा दूसरे का, दूसरा भी अनडिटरमाइंड रहेगा। मान के चलिए हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो लड़का है ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, हमें नहीं पता चलता, तो हम ये नहीं कह सकते कि कुछ बोल सही है कुछ बोल गलत है। तो अगर एक का हमें नहीं पता है तो दूसरे का भी हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है, और यही चीजें इसके अंदर, ये चारों के चारों चीजें आप इसमें ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इसमें से। और इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आए वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। पहले ये चारों के चारों हम करते हैं। अब आता है दोस्तों हमारे पास सब अल्टर्न आता है। सब अल्टर्न के अंदर क्या होता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि ए सही है तो आई सही होगी, लेकिन आई सही है तो जरूरी नहीं है कि ए सही होगी। इसका मतलब क्या है, देखिए इसको मैं पिक्चर के थ्रू आपको समझाता हूँ अच्छे से। ये मान के चलिए ये व्यक्ति कह रहा है, ये लड़का कह रहा है कि सभी की सभी बोल स्ट्रोंग है, तो इसका मतलब क्या है, सम बोल आर स्ट्रोंग, ये भी सही होगा, यानी कि ए हमारा सही है तो आई भी हमारा सही होगा। अब मान के चलिए ये लड़की है, आगे हम बात करते हैं कि मान के चलिए ये लड़की है, लड़की कह रही है कि कुछ बॉल स्ट्रोंग है, सबसे पहले ये बात बोलते कि कुछ बॉल स्ट्रोंग है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी बॉल स्ट्रोंग है, हो सकता है कि कुछ बॉल स्ट्रोंग ना हो, और होने को हो सकता है सारी की सारी बॉल स्ट्रोंग हो। हम डेफिनेटली 100% ये नहीं कह सकते कि अगर आई सही है तो ए हमारा सही होगा ही होगा, ये हम कह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अगर हमारा ए सही है, सारी की सारी बॉल स्ट्रोंग है, तो इसका सीधा सा मतलब है कुछ बॉल है वो भी स्ट्रोंग होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि ए सही है तो आई सही होगी, लेकिन आई सही है तो जरूरी नहीं है कि ए सही होगी। अब हम बात करते हैं ई की, बात करते हैं ई और आई, ई और ओ के बारे में बात करते हैं। ई सही है तो ओ के सही होने का संदेह है। अब देखिए इसकी हम बात करते हैं कि इसके अंदर ई और आई की बात, ई और ओ की बात करते हैं। ये व्यक्ति कह रहा कि ऑल बॉल आर, नो बॉल आर स्ट्रोंग, कोई भी बॉल स्ट्रोंग नहीं है, ये हम बात करते हैं। ठीक है, अब आगे ये अगर बात सही है तो ये बात सही होने का संदेह है, पूरी की पूरी ये सही नहीं होगी। सम बॉल आर नॉट स्ट्रोंग, कुछ बॉल स्ट्रोंग नहीं हो सकती। ठीक है, हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है,
क्योंकि इसका मतलब देखिए, समझना का समझिए इस चीज़ को। अगर ये बात हम सही मानते हैं कि कुछ बोल स्ट्रोंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला ना कि कुछ बोल स्ट्रोंग है, कुछ बोल स्ट्रोंग है। तो अगर कुछ बोल स्ट्रोंग है तो ये जो बात है वो तो गलत होगी, गलत हमारी साबित होगी, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते इसके अंदर कि अगर ई सही है तो ओ सही होगा। ओ के सही होने का संदेह हो सकता है, लेकिन 100% सही नहीं होगी। लेकिन ओ सही है तो जरूरी नहीं कि ई सही होगी। अब यही बात इसके अंदर आती है कि अगर ओ सही है, सम बोल आर नॉट स्ट्रोंग, ये हमें पता चल जाता है, तो हम 100% ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी बोल जो है वो स्ट्रोंग नहीं है। तो इन दोनों के अंदर हमें संदेह रहेगा, ई और ओ के अंदर संदेह रहेगा। यदि ओ गलत है तो ई भी गलत होगी, यानी कि मान के चलिए सम बोल आर स्ट्रोंग, ये सम बोल आर नॉट स्ट्रोंग, ये बात इसकी गलत निकल जाती है इस लड़की की। ये कहती है कि कुछ बोल स्ट्रोंग नहीं है, ये इसकी बात गलत निकल जाती है, तो ये बात भी तो गलत हो जाएगी ना। ये आदमी कह रहा कि नो बोल आर स्ट्रोंग, कोई भी बोल स्ट्रोंग नहीं है, तो ये बात भी इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि यदि आई और ओ सही है तो ए और ई के सही होने की संभावना है, ठीक है। इन दोनों की संभावना है, लेकिन 100% ये सही नहीं हो सकते, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके अंदर ट्रूथ डाउनवर्ड चलेगा, फॉल्स अपवर्ड चलेगा। ट्रूथ डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो दोनों की दोनों चीज़ें सही होंगी। इसका मतलब मैं बताता हूँ कि सभी की सभी बोल स्ट्रोंग है, ये बात सही है, तो ये बात हमारी सही होगी। सम बोल आर स्ट्रोंग, ये बात सही हो जाएगी। इसी तरीके से नो बोल आर स्ट्रोंग, ये बात सही है, तो ये बात भी हमारी सही हो जाएगी। यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो ये हमारा सही होगा, लेकिन अगर नीचे से ऊपर तरफ जाएंगे तो वो सही नहीं हो सकता। फॉल्स अपवर्ड इसको बोला जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं कंट्रेरीज के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, इसके अंदर दो ही चीज़ें हैं। इसके अंदर है ए और ई की बात करेंगे हम, इसके अंदर ए और ई की बात करेंगे। अब ए और ई के अंदर क्या है, दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं लेकिन सही नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर हम बात करते हैं, दोनों गलत हो सकते लेकिन सही नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है, ये जो बच्चा है ये कह रहा है कि सभी के सभी बोल स्ट्रोंग है, और ये कह रहा कि सभी के सभी बोल स्ट्रोंग नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों है, ये दोनों तो लड़ाई करने वाली बात कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ। ये कह रहा कि सभी के सभी बोल स्ट्रोंग है, और ये कह रहा कि सभी के सभी बोल स्ट्रोंग नहीं है, तो ये दोनों की दोनों एक साथ गलत हो सकती है लेकिन सही नहीं हो सकती, ठीक है। आगे बात समझ में। आगे हम बात करते हैं, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती लेकिन दोनों कुछ टाइम के लिए गलत होने की संभावना हो सकती है। अगर एक सही है तो दूसरी गलत होगी ही होगी। अब मान के देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये, कि ये व्यक्ति अगर ये कह दे कि सभी की सभी बोल स्ट्रोंग है, हमने हाथ में पकड़ के देखी भाई, हाँ सारी की सारी मजबूत है भाई, सारी की सारी मजबूत है ये बोल, और दूसरा ये लड़का कह रहा कि कोई भी बोल स्ट्रोंग नहीं है, तो सीधी सी बात है, इसको कहेंगे हत पागल, हमने देखा है, हाथ से टच करके देखा है, सारी की सारी बोल स्ट्रोंग है, तू गलत बोल रहा है, तेरी बात गलत है, तू सही नहीं कह रहा, ठीक है। तो एक सही होगा तो दूसरा गलत अपने आप हो जाएगा। इसको इस तरह से यहाँ से समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे ए हमारा सही है तो ई हमारा गलत हो जाएगा, अगर ई हमारा सही है तो ए हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर एक गलत है तो दूसरी सही होगी ही, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। और आगे हम बात करते हैं इसके अंदर सब कंट्रेरीज के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर क्या है, अब बात करेंगे हम आई और ओ की बात करेंगे, आई और ओ की बात करेंगे इसके अंदर। देखिए, इसमें कह रहा कि सम बोल आर स्ट्रोंग, कुछ बोल स्ट्रोंग है, तो इसका मतलब ये निकल सकता है कि कुछ बोल स्ट्रोंग नहीं है, सीधी सी बात है। और इसके अंदर क्या होता है, इस सब कंट्रेरीज के अंदर आई और ओ दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, दोनों के दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते लेकिन सही हो सकते हैं, ठीक है। ये आदमी कहे कि कुछ बोल स्ट्रोंग है,
तो इसका सीधा सा मतलब निकल रहा है कुछ बोल स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि आई भी सही कह रहा है और ओ भी सही कह रहा है, दोनों के दोनों अपनी बात सही कह रहे हैं। अगर एक गलत है तो दूसरी सही होगी ही होगी, अगर एक गलत है तो दूसरी सही होगी ही होगी, मान के चलिए ये गलत निकल जाए। सम बोल आर स्ट्रोंग, ये इसकी बात गलत है, कुछ बोल स्ट्रोंग है, ये बात गलत निकल जाती तो सही क्या होगा कि सम बोल आर नॉट स्ट्रोंग। ठीक है, आ रही है बात समझ में आपको? अगर नहीं आ रही है तो आप बता देना कमेंट बॉक्स के जरिए या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे बता देना। आगे हम बात करते हैं, यदि एक सही है तो दूसरी संदेहास्पद होगी। अब देखिए संदेहास्पद का मतलब क्या है, इसको मैं आसानी से समझाता हूं मैं तुम्हें, कि अगर एक सही है, मान के चलिए सम बोल आर स्ट्रोंग, ये बात सही है, दूसरी संदेहास्पद ऐसे हो सकती है कि मान के चलिए सम बोल आर स्ट्रोंग, इसका दूसरा मतलब ये भी तो निकल सकता है कि सारी की सारी बोल स्ट्रोंग है, ये बात, ये मतलब भी तो निकल सकता है इसका, है ना, सारी की सारी बोल स्ट्रोंग है, तो फिर उस मामले में ये चीज गलत हो जाएगी, तो उस मामले में ये चीज गलत हो जाएगी, तो ये संदेहास्पद हो गई ये चीज हमारी। तो आप इनको थोड़ा सा दोबारा से देखना, दोबारा से वीडियो सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए दिसंबर 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था, इन्होंने कहा था कि इफ टू प्रेपोजिशन हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म आर सच दैट वन इज द डिनाई ऑफ द अदर, एक दूसरे का विरोध कर रही है, द रिलेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? देखिए दो अभिकथन के उद्देश्य और विधेय की शब्दावली यदि ऐसी है कि एक की शब्दावली दूसरे का निषेध करती है तो उन दोनों के बीच में क्या होगा? तो इसका है दोस्तों आंसर हमारा कंट्राडिक्टरीज, इसका आंसर है, और कंट्राडिक्टरीज के अंदर क्या है कि एक दूसरे का विरोध कर रही है, कंट्राडिक्टरीज के अंदर यही कहा था ना हमने कि वो विरोध करती है, ये कहती है कि ऑल बोल आर स्ट्रोंग, और अगर दूसरा ये कहे कि सम बोल आर नॉट स्ट्रोंग, तो ये क्या है, लड़ाई करने वाली बात करते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, अगर ये दोनों एक साथ कहेंगे मैं भी सही हूँ मैं भी सही हूँ, तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लिया आपने किस तरह से इसका आंसर आ रहा है। आगे हम बात करते हैं कि यदि दो परिस्थितियों में से दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती परंतु दोनों एक साथ सही हो सकती है तो उन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा? हा, ये भी करके आए हैं, सब कंट्रेरीज करके आए हैं, इसका आंसर देखिए आंसर नंबर बी सब कंट्रेरी आएगा। सब कंट्रेरी के अंदर क्या होता है, आई और ओ होता है, सम बोल आर स्ट्रोंग और सम बोल आर नॉट स्ट्रोंग। ठीक है, आई बात समझ में? तो बिल्कुल आसानी से आप ये कर सकते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कथन के विपरीत है, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन करने वाली बात है कि कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, ये कौन सा है? सबसे देखिए यूनिवर्सल पॉजिटिव है नेगेटिव है, पर्टिकुलर पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते तो ये क्या है? ए, ये देखिए आई ओ की हम बात करते थे, ठीक है, तो ये कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, नहीं है तो नहीं में पर्टिकुलर नेगेटिव ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कथन के विपरीत है, यानी कि उल्टा कौन सा है, उल्टा बताना है, जो विरोध कर रहा है वो हमें बताना है, विरोध किसमें करता है, इसमें करता है, ए और ओ एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो इसका आंसर क्या है, आंसर ए है, सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल पॉजिटिव, इसका आंसर ए आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से आपने समझा ये, और हमने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लेके आएंगे, लाइव क्लास में लेके आने की कोशिश करेंगे, और आप प्रैक्टिस करके देखना, हम भी करवाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में ये टॉपिक आ सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपने अभी तक हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, और आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।
दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ओल्ड 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।